it. मम्मी मम्मी जरा सुनिए, क्या है वैभव? अरे एक बार इधर आइए तो। अच्छा आती हूँ, जल्दी आओ। कोई अब तेरी टर्न, सब समझ गया ना? अच्छे से। अजंता ताई जी, स्वरा ताई जी ने बोला है ये ऊपर वाला बर्नर ना, इसकी आंच थोड़ी तेज कर दो। तुम कर लो ना। मुझे ये सब नहीं आता, आप कर दो ना, मैं अब जरा हो क्या था, प्लीज आप तेज कर दो ना। जलने की बदबू आ रही है। अरे ये देखना उपमा जल गया, मैं तो आज दीवी करके गई थी। हाय राम। अरे मम्मी आपका उपमा तो पीला होने की जगह काला हो गया, बताओ। मैं तो आज धीमी करके गई थी। तो खुद से तो तेज हो ही नहीं होगी आज। मम्मी पक्का ना ये हमको किसी कांड इंसान का कांड लगता है। ओ अजंता ताई जी, मम्मी हम देखे उनको किचन से बाहर जाते हुए अभी। उस समय वो यही थी। बताओ मम्मी क्या जमाना आ गया, लोग आजकल बदला लेने के लिए उपमा जला दे रहे, खाने तक की कदर नहीं है। बताओ मम्मी, अगर वो आपके सामने होती तो अभी तक तो आप उनको बेलन उठा के मार देती ना। अरे बेलन क्या, मैं तो कढ़ाई मुंह में मार देती। मम्मी यही तो छोटी सोच है, बर्तन युद्ध से अब कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ बड़ा करना होगा। चलो चलो मेरे साथ। क्या करना है? अरे अब चलो तो मम्मी, अब सवाल मत करती हूँ। अरे वैभव कहाँ ले जा रहा है बेटा? चलो तो सही, करना क्या है ये तो बता दे। क्या हुआ? देखो कढ़ाई उठा के मारने से अच्छा है गुब्बारे भर भर के दे दे के मारो, और जो कुछ उल्टा पुल्टा बोली तो कह देना पूरा ना मानो होली है। बच्चू जैसी बातें करता है, अब घर की बहू गुब्बारे से लड़ेगी? मैं तो सीधे मुंह जाके बात करती हूँ उस मुंबई पला से, देखो तुम। मम्मी मम्मी एक तो बातें बहुत करती हूँ मम्मी। मम्मी अब जुबान चलाने का नहीं, हाथ चलाने का समय। ये देखो ये ऐसे। मम्मी पकड़ 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 पकड़। आराम है प्रचंड, मम्मी पूरा करो अपना प्रतिशोध। मुझे बलून फेंक के मारा? How dare you? ताई जी, आप भी मारो खींच के, दिखा दो कि आप में भी दम है। मारो मारो। मुझे मारा, मेरा उपमा जलाया, मैं क्या लगा था मैं कुछ करूंगी नहीं है मुंबईया पला? मतलब आप एडमिट करती है कि आपने गलत रेसिपी बताई थी? अरे मैंने गलत रेसिपी नहीं दी थी। How dare you अजंता? तन्वी, इसने तुझे मारा है, देख क्या रही है, ले अपना बदला। अरे संभालो, क्या कर रही है? बता क्या कर रही थी रसोई में? दिखाई नहीं दी आपको, चाय बना रही थी। हाय राम, यहाँ पर भी चाय चाय ना हो गया, तेजाब हो गया, झोंक दे मेरी आंखों में।
Wow, balloon fight. Nice. Wow, wow, wow. Wow. बुरा ना मानो, होली है. हाँ, आज तो enemies भी गले लगते हैं, right? और आप दोनों तो family. गले नहीं लग रहे, लोग balloons मार रहे हैं. मैं भी मारूंगी. Wow. What? तो तुम्हें क्या लगा? हम तुम्हें छोड़ेंगे? चल तक भी शुरू हो जा. Attack! शाबाश मौली, हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान ढूंढ ही लेती है. तकरार से शुरू हुई पर इस घर में होली तो शुरू हुई. बस अब राम जी इतनी कृपा कर दे कि आज होली के ये रंग प्यार के रंग में बदल जाए. सच से अब देखो तुम. मानस, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे साथ होली खेलना चाहता हूं. मानस से क्या बदतमीजी है? मानस प्लीज दरवाजा खोल. मौली, मैं बस बात करने आया हूँ, डरो मत प्लीज. मुझे नहीं करने कोई बात, प्लीज मुझे जाने दो. ऐसे डोर क्यों लॉक की? क्यों भाग रही हो? क्यों? मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें मनाने की, तुम्हारे पास आने की. आने दो ना. मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास इतना आ जाऊं कि हमारे बीच में ना गलत फहमियों की कोई जगह ही नहीं बचे. मौली, एक बार गलती कर चुका हूं मैं तुमसे दूर जाने की. मैं वही गलती सुधारना चाहता हूँ. मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए. आई लव यू मौली, आई रियली लव यू. मानस, दरवाजा बंद करके ये सब बोलना इज नॉट राइट. मानस, मुझे प्लीज जाने दो. तुम गलत कर रहे हो. ये प्लीज लेट मी गो. बात खत्म नहीं हुई है मौली. मुझे नहीं करनी है कोई बात. मानस प्लीज जाने दो. बड़ी मुश्किल से ये चांस मिला है मौली. मैं ये चांस जाने नहीं दे सकता. आज होली है, आज के दिन तो अनजान भी गले मिलते हैं. हम तो हस्बैंड वाइफ थे ना, प्लीज मुझे माफ कर दो. ऐसे करके माफी नहीं मांगी जाती मानस. दूर हटो मानस. शादी हुई हमारी मौली, अगर तुम्हें छोड़ के जाने की गलती नहीं की होती ना मैंने, तो आज ऐसे ही पास आए होते हम. प्लीज जाने दो मुझे. माफ कर दो और फिर चले जाओ. जो तुम कर रहे हो ना, मैं उसके लिए तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी. हटो बोली. मौली रुक जाओ. मौली, मौली, आई सेड स्टॉप मौली. मानस, क्या बदतमीजी है ये? राहुल, बीच में मत आ, मुझे मौली से बात करनी. How dare you, मानस? मैंने मौली को दरवाजा खोल के कमरे से भागते हुए बाहर आते हुए देखा. ये इतनी घबराई हुई क्यों है? कमरा लॉक करके अंदर क्या कर रहा था? मानस बोल, बोल मानस, बोल.
क्या कह रहा था कमरे में बोल। बोल रहा हूँ ना, मेरे और मौली के बीच की बात है, पर तुझे सुनना नहीं है ना। तो How dare you, Manas? तेरी तो मैं मजाक ना आके रखा है। राहुल क्या कर रहे हैं? राहुल Why are you hitting me, Rahul? Manas? Rahul? Rahul, पत्ता भी नहीं करेगा मौली के साथ। Manas? Rahul? Manas? Rahul? Rahul? राहुल छोड़िए राहुल राहुल दूर जाओ डोंट टच माय सन मानस मानस तुम ठीक हो मानस आई यू ओके मानस यू आर ओके मानस हां राहुल नो राहुल नो राहुल काम डाउन राहुल अपनी लिमिट में रहो वरना हाथ मेरा भी उठ सकता है ओ हेलो क्या हाथ उठ सकता है मेरे बेटे पे हाथ उठाने से पहले अपने बेटे से पूछ उसने जरूर कोई घटिया हरकत की होगी वरना राहुल बेवजह लड़ने वालों में से नहीं है मारे से जो भी किया राहुल होता कौन है इसमें हाथ उठाने वाला डॉक्टर है ना तू इतना तो पता ही होगा जैसी बीमारी वैसी दवाई तेरे बेटे की जो हरकत है वो इसी लायक है बचो चिल्ला मत तुझे क्या लगता है तू मेरे बेटे को कुछ भी बोलेगा और मैं यहाँ खड़े खड़े सुनता रहूंगा तो सुनूंगा तो मैं भी नहीं क्या करेगा तू क्या करेगा तू बोल तू क्या करेगा अरे तू बोल भी मैं खा दूंगा तुझे तू क्या करेगा क्या करेगा तू बोल तू क्या करेगा बोल तू क्या करेगा तू बोल अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गए तुम दोनों की क्या मशवरा लगा रखा है छोड़ो बाबा जी का बोलो अरे क्या साथ देव लोग लड़ रहे तुम लोग छोड़ो हाथ छोड़ो छोड़ो हट जा हां बाबा हट जा लंडे लंडे भैया लंडे पोरा गए हो तुम दोनों जे मचाल कि नन्हे भैया को धक्का दोगे ये टंटी से तुम्हारी हड्डियां ना चटका दी ना तो हमारा नाम भी जानकी नहीं है अब अगर बॉस आए ना तो फिर देखना हमने तो तुम्हें इंसानों की तरह पाला लेकिन लंदन और मुंबई जाकर जानवर बन गए तुम लोग जानकी माँ राहुल ऐसे ही कभी किसी से नहीं लड़ता अगर ये नौबत आई है तो जरूर मानस ने कुछ बहुत गलत किया है वरना ऐसा नहीं करता ये राइट और रॉन्ग सब आप ही डिसाइड कर लेंगी आज आप गलत बोल रही है मानस को कल को गुंडा बोलेंगे और परसों टेररिस्ट अरे कुछ हो ना हो नालायक जरूर है ये तुम्हारा मानस बस बंद करो ये काओ 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 चुप रहो एकदम एकदम चुप मौली तू बता बेटा क्या हुआ और क्यों हुआ बता दिया तो पापा का नाम खराब होगा कि उनका बेटा कितना घटिया इंसान है और कुछ नहीं कहा तो सब राहुल को गलत समझेंगे मौली बता क्या हुआ तो जहां भी कोर्ट कचहरी बुलाएगी हम आ जाएंगे मुकदमा लड़ने के लिए
अगर तूने मानस को माफ नहीं किया तो हम मनोज को भी माफ नहीं करेंगे, ना ही इसे हमारी माफी मिलेगी, ना ही इस मेहंदी वाले घर का हिस्सा और ना ही यहां रहने का हक। जानकी, सभा समाप्त। आशना बेबी, हम मेहंदी वाले घर के बाहर खड़े हैं, यहाँ कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। I know, I'm sorry, मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए रोक नहीं पाई खुद को, इसलिए यहाँ आके बैठो, इधर बैठो। यहाँ भी नहीं है, इस टाइम कहाँ चले गए मानस? फोन भी यहीं छोड़ गया, यहां भी नहीं है। मानस बाहर क्या कर रहा है? क्या ऑस्कर परफॉर्मेंस दी है मैंने, होली में दिवाली बना ली मैंने सबके सामने, घर में फायर क्रैकर्स, सारा ब्लेम मौली पे। यस, आई विश तुम उसकी शक्ल देख पाती। अरे दादी ने भी अल्टीमेटम दे दिया उसको कि अगर दो दिन में शादी के लिए हार नहीं की ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। मानस, अगर उसने हार कर दी तो? नहीं यार आशना, चांस ही नहीं है। नहीं मानस, इमोशनल प्रेशर भी कुछ होता है। उसने तुम्हारे डैड के लिए तुम्हें चांस दिया, हु नोज अगर उनके लिए उसने उस बुढ़िया के प्रेशर में आकर शादी के लिए फिर से हाँ कर दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी सारा ब्लेम मौली पे आया है, ठीक है? और उसने दादी से बहस भी कर ली है, दादी शॉक में, कल डैड शॉक में जाएंगे, कोई शादी वादी नहीं होने वाली मेरी मौली से। यू श्योर ना मानस? 200%। अरे दो दिन में ना मौली का गेम ओवर। Thank you. मानस, तू यहां अकेला बैठा हुआ है? अरे मानस, तू रो क्यों रहा है? डैड, जो कुछ हुआ, मौली ने जो इल्जाम लगाया ना मुझ पे, उसके बाद अंदर सबके बीच जाने में मुझे शर्म आ रही है डैड। किससे शर्म आ रही है तुझे मानस? सब लोग अपने ही तो हैं। माना कि मौली को तेरा उससे बात करना अच्छा नहीं लगा, पर तेरी नीयत खराब तो नहीं थी ना? हम सबको तुझ पे विश्वास है, जानकी माँ तेरे साथ है,
तो चल अंदर आजा। नहीं डैड, आप लोग मेरे साथ हो, लेकिन घर में और भी तो लोग हैं ना। मानस कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं हूं तेरे साथ ना, तो चल अंदर। डैड आप मुझे बचाओगे कि खुद को? क्या क्या मतलब? मौली के साथ मैंने गलत किया, वो मुझसे बदला ले रही है, आई अंडरस्टैंड, पर आज उसने आपका नाम भी खराब कर दिया ना। तन्वी ताई जी और विजय ताऊ जी ने आपकी परवरिश पे क्वेश्चन किया और दादी माँ ने गिना दिया कि कैसे आपकी वजह से उनका दिल दुखा था। मौली मुझे चाहे जो बोलती ठीक था, लेकिन आप उसे इतना प्यार करते हैं, आपके साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके बारे में तो सोचना चाहिए था ना उसे। इट्स ओके मानस, मैं बात करता हूं मौली से। नहीं डैड, सब कुछ ओवर हो चुका, मुझे जहां तक लगता है मौली मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तो उसे बार बार रिक्वेस्ट करके ना आप अपनी वैल्यू अपना टाइम वेस्ट मत करें, मुझे और मौली को साथ में देखने का जो आपका सपना है ना डैड, वो मौली तोड़ चुकी है। मानस अपना फोन भी घर पर छोड़कर पता नहीं कहां चला गया, उसका मूड भी खराब था, अच्छा ही होता अगर मैं उसे मुंबई लेकर वापस चली जाती तो। You know what, मौली? सबने एक्सपेक्ट किया था कि तुम यहां आकर रिश्ते जोड़ोगी, पूरी फैमिली को एक करोगी, पर तुम तो रिश्ते तोड़ने की ही जिद लिए बैठी हो। क्यों क्यों मौली, मनोज ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए लाइफ में? अनाथ थी ना, सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, पर तुमने तो मानस पे गलत इल्जाम लगाकर उसकी परवरिश पर ही उंगलियां उठा दी। ठीक है मानस से गलती हुई थी पास्ट में गलती, लेकिन वो दिन रात माफी मांग रहा था उसके लिए, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था कि तुम मानस को माफ कर दोगी, लाइफ में उसे सेकंड चांस दोगी मौली, पर तुमने तो उसके कैरेक्टर पर ही कीचड़ उछाल दिया, जिससे पूरी फैमिली मनोज की फैमिली को और हेट करने लगेगी। क्यों किया तुमने ये सब मौली, क्यों किया तुमने ये सब मौली? कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो, क्यों किया तुमने ये सब, क्यों किया? Why did you do this? मॉम प्लीज मौली को कुछ मत बोलिए मॉम। वो कहते हैं ना कि एक गलती आपकी पूरी लाइफ खराब कर देती, वही हो रहा है मेरे साथ। मैं मौली को कितना भी सॉरी बोल लूं, कितना भी मना लूं, लेकिन वो मानेगी नहीं, वो बदला लेना चाहती है मुझसे, मुझे गलत साबित करना चाहती है, और ये मेरे कर्मों की सजा है, तो ठीक है मैं मुझे फेस करना पड़ेगा। फालतू की चीजों में ध्यान लगाने से अच्छा है कि वो लंदन ही चला जाए और वहां पे काम देखे। ज्योति चाची, घर के सारे काम हो जाएंगे, इस वक्त आप प्लीज छत पे जाइए, मौली अकेली है, वो परेशान है, आप प्लीज उसे संभालिए। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर अकेले रहने का मन था इसलिए छत पे आ गई। अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो गुस्सा और दर्द तुम्हारे अंदर है वो अकेले रहने से नहीं निकलेगा। जब तक मन का गुबार नहीं फटेगा तब तक मन शांत नहीं होगा,
और क्या करूं चाची जी, जोर जोर से चिल्लाऊं, शोर सुन के सब ऊपर आ जाएंगे, फिर से तमाशा होगा। तो चल मेरे साथ। मैं भी अंदर से कई बार इतनी भर जाती हूँ कि पूछो ही मत। अब हम किसी पे चिल्ला तो नहीं सकते ना, तब ये कपड़ों की गठरी और ये थपके काम आती है। कभी कभी अपना मन हल्का करने के लिए खुद को अंदर से खाली करना पड़ता है। सही चलता रहा तो कुछ समय में कुछ कहने सुनने की आजादी भी छिन जाएगी मुझसे। 10 साल बड़ी हो तुम मुझसे, मैंने मन मार के तुमसे शादी कर ली। ये ले, तू भी कर, अच्छा लगेगा। चाची मैं ये सब जैसे मैंने किया तू भी करके देखो। बड़ी मुश्किल से ये चांस मिला है मौली, मैं ये चांस जाने नहीं दे सकता। मानस सोचता कुछ और है। बोलता कुछ और। मैं बस से माफी मांगने के लिए गया था, मैं गिड़गिड़ा रहा था इसे। जैसा घटिया और सबके पास इंसान नहीं रहना। मौली, 2 दिन है तेरे पास, या तो तू शादी के लिए हां कर दे। नहीं करनी मुझे उससे शादी। कैसा लग रहा है आप? थैंक यू सो मच चाची जी, सच में मुझे थोड़ा लाइट फील हो रहा है। चाची जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मानस रूम के अंदर मेरे साथ जितना खराब बिहेव कर रहा था, उतना ही सबके सामने अच्छा बन रहा था। आपको क्या लगता है चाची जी, ये मानस का माफी मांगना एंड ऑल, ये सब छोटा ड्रामा कर रहा है ना? पर चाची जी, उसका एजेंडा क्या, क्या करना चाहता है वो, कैसे कैसे पता करेंगे? पता तो करना पड़ेगा, टेढ़ी खीर है तो कोई टेढ़ा ही तरीका लगाना पड़ेगा। टेढ़े आइडियाज ही तो नहीं आते मेरे दिमाग में। तुम सीधी और सरल हो, पर एक इंसान है जिसके दिमाग में ये विचार आते जाते रहते हैं। नहीं चाची जी, प्लीज राहुल का नाम मत लीजिएगा। मैंने कहा लिया, तुम ही ले रही हो।
छोड़िए ये सब चाची जी, कोई प्लान सोचते हैं। वही तो बता रही हूँ, कुछ ऐसा सोचो, अगर राहुल होता तो वो क्या उपाय बताता। मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, उसके बाद जानकी माँ मेरे और मानस की शादी का अशुभ मुहूर्त निकाल देंगी। क्या करूं मैं, कैसे लाऊं मानस का सच बाहर, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कुछ ऐसा सोचो, अगर राहुल होता तो वो क्या उपाय बताता। इट्स ओके, राहुल की तरह सोचना है ना, सोच लूंगी। राहुल यहां होता तो यही कहता कि यो मिठाई तो बा, फाइनली मेरी याद आई गई। यू नो इस दुनिया का काम जो है मेरे बिना चलता ही नहीं है। आई नो बस घमंड नहीं किया है ना। ऐसा मुंह जो है ना टेढ़ा मेढ़ा करके कोई पॉइंट नहीं है। अगर कुछ टेढ़ा करना है ना तो दिमाग टेढ़ा करके टेढ़ा आइडिया सोचना होगा। माय डियर, भूख लगी है तो खाना खा लो, भाव क्यों खा रहे हो। और अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो मुझे बता दो ना जल्दी। सेल्समैन हूं क्या? साबुन सब्जी बेचने नहीं आए? थोड़ा प्यार से बात करो। डियर मिस्टर झिल्लाओ, पकाओ मत, कोई आइडिया है तो मुझे बताओ वरना दफा हो जाओ। चलो तुम भी क्या याद रखोगी, किसी बड़े दिल वाले से तुम्हारा पाला पड़ा। तुम आइडिया दे रहे हो या मैं जाऊं? जाओ मत, सोचो ये सब की शुरुआत कहां हुई थी। सोचो ये सब की शुरुआत कहां हुई थी। वो होलिका वाले दिन मिनी के कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, गॉड नोज किसने उन्हें इनवाइट किया था। गॉड नोज, बट अभी वो थोड़े बिजी हैं, तो तुम्हें खुद पता करना होगा। सोचो आखिर मिनी के दोस्तों को कॉल करके किसने घर पे बुलाया। मानस और आशना आज भी एक साथ हैं। मन तो कर रहा अभी जाऊं एक थप्पड़ लगाऊं बस के और सारा सच उगलवा लूं। डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगी तो फॉर श्योर कोई कहानी बना के मुझे ही गलत साबित कर देगा। हर बार यही करता है। कोई प्रूफ भी तो नहीं है मेरे पास। उस पेन ड्राइव में तो वैसे भी कोई फुटेज नहीं थी, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। ब्लफ कर रही थी मैं तो, ताकि मानस का सच बाहर ला पाऊं। सच का पता चल गया, अब बस सबूत जमा करना है मुझे, वरना कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। पता तो ये भी करना है कि मानस ये सब कर क्यों रहा है। जब वो ऑलरेडी आशना के साथ है तो मेरे साथ माफी और शादी का ड्रामा करके मिलेगा क्या इसे? चाहता क्या है मानस? मानस से डील करना है तो उसका पूरा गेम प्लान पता करना होगा मुझे।
सोशल मीडिया ना से इसके रूम में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बस एक प्रूफ मिल जाए फिर मैं मानस और राशना दोनों को एक्सपोज कर दूंगी। मानस, क्या हुआ मॉम? तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम चलो तो सही, चलो। क्या हुआ? जानकी माँ, समझाइए ना अपने पोते को। कल से खाना खिलाने की कोशिश करी पर ये खा ही नहीं रहा। बोला मैंने ना कि मुझे भूख नहीं है। मानस, अरे तो जबरदस्ती खा और अगर नहीं पचे ना तो उल्टी कर देना। पर जबरदस्ती खा रहा है। शादी होने वाली है तेरी, कौवे की टांग जैसा दिखेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। अजंता जाओ, तुम इसके लिए खाना लाओ, हम खिलाएंगे। जी जानकी माँ। अच्छा चलो, भूख क्यों नहीं लग रही? हाँ वो बस ऐसी। हाँ बस ऐसी, चल बैठ जा। हाँ अब थोड़ी हेल्प प्लीज आप भी कर दीजिए। मानस आशना की प्लानिंग का प्रूफ दिला दीजिए प्लीज। मौली भाभी, ये मानस भैया के कपड़े हैं, बाथरूम में धोने के लिए डालने थे, आपने डाल दो प्लीज। नो वे, मैं वो रिसीप्ट शर्ट में कैसे भूल गया? सही ढूंढ रहा था। थैंक यू। चल ये चबा चबा के खा रहा हूं। ये रिसिप्ट मुझसे मांग भी तो सकता था, खाना छोड़ के आ गया, मतलब ऑलमोस्ट छीन ली। ऐसा क्या है इस रिसिप्ट में? क्या हुआ मौली, कुछ मिला? आई थिंक सो चाची जी, मुझे आपसे एक काम है, मेरे साथ आइए। सर जी, हम भी कपड़ा व्यापारी है, हम उज्जैन के सारे कपड़ा व्यापारी शुभ रेशम साड़ी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, हमें भी उनकी फ्रेंचाइजी चाहिए। क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। हाँ, अरे आप तो बस ऐसा कोई तरीका निकालिए जिसमें आपका भी फायदा हो और फ्रेंचाइजी भी हमें मिल जाए। काम हो जाएगा, पर जैसा कि आप जानते हैं हर अनमोल चीज की एक कीमत होती है। एक काम करते हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। मैं आता हूँ ना आपसे मिलने, बस ये फ्रेंचाइजी किसी और को नहीं मिलनी चाहिए।
ओके, राम राम। सबके पास इतना कुछ है मम्मी, और मेरे पास हार्डली कुछ। महंगे गैजेट्स, पर्स, कार, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। पापा से 1000 times बेटर है ताऊ जी। हमेशा उन्होंने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, हमेशा उनको सपोर्ट किया। बस एक बार ये फ्रेंचाइजी मिल जाए, फिर व्यापार और इज्जत दोनों में मुनाफा होगा। जितनी कमियां हैं सब एक झटके में पूरी कर दूंगा। मानस, आप बताइए चाची जी क्या हो? मुझे वो डब्बा चाहिए, उतार दोगे? अच्छा वो? हाँ हाँ। बहुत ऊपर है वो, कुछ है जिसपे चढ़ के निकाल सके? हाँ मैं मुड़ा लाई। ये लो बेटा। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। हाँ चाची जी, इस पर्ची की मदद से अब मानस का सच पूरे परिवार के सामने आ जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।